चिल्ड्रन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, उसमें हमने संख्या सीखी थी। वी हैव लर्न नंबर्स इन संस्कृत 1 टू 50, एकम से लेकर 50 तक हमने 1 से 50 तक गिनती चैप्टर नंबर 6 में सीखी थी। आज हम उसी चैप्टर की बुक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी इट। संख्या दैट मींस नंबर। इन स्टैंडर्ड 6 यू हैव लर्न नंबर्स 1 टू 12 इन संस्कृत। कक्षा 6 में हमने 1 से 12 तक संस्कृत में गिनती सीखी थी। इन स्टैंडर्ड 7 यू विल लर्न 13 टू 15 इन संस्कृत। और कक्षा 7 में हमने कहां से कहां तक सीखी, 13 से 50 तक की आदि की गिनती हमने सीखी। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ नंबर्स इन संस्कृत आर नियर टू द गुजराती वर्ड्स ऑफ नंबर्स। संस्कृत के जो कुछ नंबर्स हैं उनके जो प्रोनाउंसिएशन है नियर टू द गुजराती वर्ड्स, तो मींस सिमिलर टू लाइक द गुजराती वर्ड। सो इट इज इजी टू लर्न देम। सो As usual, the first question is the MCQ. Now let's see it. The first, what is the meaning of the word shoulder? Shoulder का क्या meaning है? क्या पढ़ा था हमने? Yes, shoulder means 60. Okay. Now question number 2. What is the meaning of the word prevention? Prevention की क्या meaning है? ठीक है, prevention means 20 हमने पढ़ा था. Pre means 3. तो क्या आएगा answer? 23. C is the right answer. Now question number 3. Next question, see what is the meaning of prince-princip? Prince-princip की क्या meaning है? Yes, princip means 30. ठीक है, prince-princip तो क्या आएगा? 33. क्या आएगा? 33. Question number 4. What is the meaning of chatus-princip? Chatus-princip. ठीक है, princip का meaning पढ़ा हमने, means 30. और chatus that means 34. क्या आएगा answer? The right answer 34. Next question, what is the meaning of chatvarinshit? Chatvarinshit ki kya meaning thi? Kya padha tha humne? Yes, 40. Chatvarinshit means 40. Theek hai, what is the meaning of panchashat? Panchashat ka meaning kya aayega? Yes, 50. Panchashat means 50. Okay? Write the Sanskrit numbers of saptatrinshat. अभी सप्तत्रिंशत का संस्कृत में नंबर लिखो। त्रिंशत मींस 30, सप्तत्रिंशत मींस 37। ठीक है, पीछे के वर्ड को थोड़ा फोकस करना तो आप लोगों को इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द संस्कृत नंबर ऑफ द वर्ड सप्तविंशत? अभी हमने विंशत का क्या पढ़ा था हमने, मींस 20। अभी सप्त है तो 27 आना चाहिए। ठीक है, so the right answer is 27. Okay, subtraction means 27. What is the number 40 in Sanskrit word? 40 को संस्कृत में किस तरीके से लिखेंगे? Yes, चतुर्दश। ठीक है, जो भी लास्ट वाला वर्ड आता है ना, जैसे दश है तो वो 11 टू 19 में दश लिखा होगा। विंशत means 20, तो 21 से 29 के वर्ड्स जो भी होंगे उनके पीछे विंशत लिखा होगा। इन दिस वे आप वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। व्हाट इज द संस्कृत वर्ड फॉर स्कोरबोर्ड? स्कोरबोर्ड के लिए संस्कृत वर्ड क्या दिया गया था चैप्टर में? क्या दिया गया था? यस, दांक फलकम। क्या दिया गया है? दांक फलकम। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। चैप्टर के बेस पे आपको ये ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट ब्लैंक। Yes. First is भावक। भावक पर से प्रथम क्रीड़ायाम करती डैश। तो क्या दिया गया था चैप्टर में? दामांक। ठीक है, दामांक कितने थे उसके? भावक के फर्स्ट क्रीड़ा में कितने रन थे? राकेश से द्वितीय क्रीड़ायाम डैश दामांक। वो वहां पे आपका जो बिगनिंग में एक बॉक्स दिया गया है उसमें जो स्कोर बोर्ड दिया गया उसके बेस पे आपको ये डांस करने हैं। सप्त चतुर्वा रिंशित। सप्त चतुर्वा रिंशित दैट मींस 47। जयश से चतुर्थ क्रीड़ायाम डैश तामांक। जयश का चतुर्थ क्रीड़ा में कितने रन स्कोर थे? यस, द्वादश। नीरव से अंतिम क्रीड़ायाम, नीरव की अंतिम क्रीड़ा में लास्ट क्रीड़ा में कितने स्कोर थे, कितने तामांक थे? तो द्वा चतुर्वा रिंशित 42। शालीन शालीन से प्रथम क्रीड़ायाम डैश दामांक।
त्रिंशत्। ठीक है, भाविकस्य द्वितीय क्रीडायां डैश नामांक, भाविक के द्वितीय क्रीडा में सेकंड मैच में कितने स्कोर था? एक विंशित, दैट मींस 21। ओके, हियर वी कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली एंड राइट देयर इंग्लिश मीनिंग इन द ब्लैंक्स। यहां पे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इनमें आपको इनकी जो इंग्लिश मीनिंग है वो लिखनी है। दामांक फलकम, तो क्या मीनिंग पढ़ा था उसका? स्कोर बोर्ड। ठीक है, दामांक फलकम मीन्स स्कोर बोर्ड। चतुर्थ किराया, चतुर्थ मीन्स फोर्थ, किराया मीन्स मैच। ठीक है, फोर्थ मैच। दामांक, दामांक मीन्स रन। ओके, पंचाशत मीन्स 50, दलम मीन्स टीम, सम्यक दैट मीन्स इज प्रॉपरली, त्रिस 33, शत त्रिंश 36। ओके, सो हियर क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, तो आप टेक्स्ट बुक का भी कर लेना। रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड राइट देम इन नंबर्स एंड वर्ड्स इन द टेबल। यहां पे टेबल दिया गया है आपको, ये वाले रीड करके अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इनका जो आंसर बैठता है वो यहां पे नंबर्स पे लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है संस्कृत में, नॉट इन इंग्लिश। ओके, शिव से नेत्राणी, शिव से दैट मींस लॉर्ड शिवा की नेत्राणी, हाउ मेनी आईज लॉर्ड शिवा हैज, कितने होते हैं? यस 3। तो कितने लिखेंगे? त्रीणी, यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे त्रीणी लिखेंगे। पांडवा, ठीक है, महाभारत में हमने पढ़ा है कौरव और पांडव, पांडव कितने थे आपस में? यस 5 थे। तो यहाँ पे क्या आएगा? पंच। मानव से नेत्र, मानव से मीन्स ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स को कितनी आंस होती है? यस 2। तो यहाँ पे क्या लिखा? द्वय। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखे, 2 लिखेंगे और यहाँ पे द्वय लिखे। रावण से मस्तकानी, रावण से दैट मीन्स रावण के कितने हेड थे ये पढ़ा था आपने? यस, आपको पता होगा 10 सर थे। ठीक है, दशासुर भी कहा जाता है उसे, 10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दश। वासरा, वासरा मीन्स देस, देस कितने होते हैं? 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सप्त। प्राणायाम शशकानाम करना, तर 3 रैबिट के ईयर्स, तो एक रैबिट को कितने ईयर्स होते हैं? 2। तो 3 के ईयर्स काउंट करेंगे तो कितने होंगे? 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? षट। ठीक है, पंच शुगाराना पादा, पंच दैट मीन्स 5 शुगार, शुगार मीन्स फॉक्स, 5 फॉक्स के लेग्स, टोटल कितने होते हैं? एक फॉक्स को कितने लेग होते हैं? 4। तो 5 को कितने होंगे? 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 20। तो विनशिप। ठीक है, पंच शुगाराना पादा विनशिप। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन नंबर्स, अभी यहाँ पे वर्ड्स भी गिनती की गई है, आपको उनके नंबर्स संस्कृत में लिखने हैं। फर्स्ट क्या दिया गया है? चतुर्दश, तो क्या आएगा यहाँ पे? 14 नंबर आएगा, 14। ठीक है, सप्त विंशत मीन्स 27, 27। त्रिस विंशत 33, 33। ठीक है, अष्ट चत्वारिंशत, अष्ट मीन्स 8, चत्वारिंशत मीन्स 4, 48। नव दश मीन्स 19, 19। अष्टात्रिंशत् मीन्स 38, 38। पंचचत्वारिंशत् 45, 45। सप्तदश मीन्स 17, 17। सो यहाँ पे हमने नंबर्स में लिख लिए हैं। नाउ राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, यहाँ पे भी नंबर्स दिए गए हैं आपको, उनको वर्ड्स में लिखने हैं। तो कौन सा नंबर दिया गया है? 14 दिया गया। 14 को संस्कृत में क्या कहते हैं? चतुर्दश। अभी हमने ऊपर भी किया था, 25, 25 दिया गया है, 25, तो उनको क्या कहेंगे? पंचविंशत्। 46 को षट्चत्वारिंशत्। 38 को अष्टात्रिंशत्, तो यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, 40 चत्वारिंशत्, 41 में 1 चत्वारिंशत्। इन दिस वे ये आपको कंप्लीट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, पुट द राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, आई एम पॉजिटिव
तो क्या है, हाँ जो चैप्टर में चल रहा था तो वो क्या देख रहे थे, वो स्कोर बोर्ड को देख रहे थे। नीरव गेट्स 50 रन्स इन द लास्ट मैच, क्या नीरव ने लास्ट मैच में 50 रन्स किए थे? ट्रू है कि फॉल्स है, क्या है ये? यस फॉल्स, नीरव ने लास्ट मैच में 50 रन्स नहीं किए थे। शंकर हैज ट्वाइस, लॉर्ड शंकरा हैज ट्वाइस, ट्रू और फॉल्स? नो इट इज फॉल्स, लॉर्ड शंकरा हैज 3 आईज। देयर वर 5 पांडवास, पांडवास कितने थे? 5, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। नेक्स्ट इज रावण हैड 11 हेड्स, क्या रावण को 11 सर थे? नहीं, क्या होगा ये? फॉल्स। संडे इज द 7th डे ऑफ अ वीक, तो संडे क्या लास्ट दिन होता है सप्ताह का? यस संडे इज द 7th डे ऑफ द वीक, ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आंसर दीजिए टू फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश, एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है, किसमें? इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अष्टाविंशत, अष्टाविंशत की क्या मीनिंग होती है, क्या कहते हैं अष्टाविंशत? मींस यस अष्टाविंशत मींस 28। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नवचत्वारिंशत, नवचत्वारिंशत मींस चत्वारिंशत का मतलब होता है 40, तो नव दैट मींस 49। मासे कति दिनानि सन्ति, मंथ में कितने दिन होते हैं, किसी मंथ में 30 होते हैं, किसी में 31 होते हैं, सो मासे त्रिंशत, यहाँ पे ब्रैकेट में कति 30 लिखेंगे, अथवा एक त्रिंशत दिनानि सन्ति, महीने में 30 या अथवा 31 दिन होते हैं। वर्षे कति मासा सन्ति, एक साल में कितने महीने होते हैं, कितने होते हैं? यस 12, वर्षे द्वादश मासा सन्ति। नीलेश किं पश्यन्ति, नीलेश क्या देख रहा था चैप्टर में बताया? यस नीलेश दामांक फलकं पश्यन्ति। नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, यहां पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी इट, अहो नीलेश नीरवस्य का स्थिति, ओ नीलेश व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नीरव, एक विंशति दामांक 21 रन्स। अंतिम क्रीडायां नीरव कति दामांक प्राप्तान करोति, इन द लास्ट मैच हाउ मेनी रन्स डिड नीरव गेट्स इन द लास्ट मैच, ओके। तृतीय क्रीडायां अधिक नास्ति, ही हैज नो मोर रन्स इन द थर्ड मैच। सत्यम चतुर्थ क्रीडायां अपि षट् विंशत्, ट्रू इन द फोर्थ मैच ओनली 26, ओके। सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है इसकी एक्सरसाइज वर्कबुक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, यू कैन डू इट फ्रॉम, मैं जब आपको पीडीएफ भेजूंगी उसमें से देख के आप कंप्लीट कर लेना, और जितना आपको ऑन हो सकता है खुद से करने की कोशिश करना, बहुत ही सरल एक्सरसाइज है, इजी क्वेश्चन है, ओके स्टूडेंट्स। टिल दैट स्टे सेफ स्टे होम, बाय बाय।